एक लैपटॉप खरीदना है और बजट भी काफी कम है, या फिर बजट ज्यादा भी है लेकिन वीडियो एडिटिंग करना आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो काफी सही रहेगी। इस वीडियो में आपको ऐसे लैपटॉप्स बताऊंगा ना जिससे आप अपने वीडियो एडिटिंग की जर्नी को बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। हेलो गाइस, आई एम शार फ्रॉम टेक जॉनकल, आप शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो एडिटिंग को बहुत ही सीरियसली करना चाहते हो तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला ही लैपटॉप लेना है, और उस कंडीशन में हमारे पास अगर बजट कॉन्शियस रह के हमें एक लैपटॉप खरीदना है तो सिर्फ गेमिंग लैपटॉप के ही ऑप्शन बचते हैं, और उस केस में मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स ही बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ अच्छे लैपटॉप्स ऐसे भी बताऊंगा जो स्लिम फैक्टर डिजाइन वाले हैं। इन केस अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करनी है तो भी ये वीडियो सही रहेगी, लेकिन मेरा गोल इस वीडियो में ये है ना कि डिस्प्ले भी थोड़ा अच्छा हो ताकि आपको ना एक कंफर्टेबल व्यूइंग एंगल मिल जाए जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो, या फिर कलर भी थोड़ा एक्यूरेट से दिखाई दे। ऐसा होता है ना कि आपने कोई कंप्रोमाइज करके एक गेमिंग लैपटॉप खरीद लिया वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन हो सकता है उसमें डिस्प्ले अच्छा ना हो, तो उस बात का भी ध्यान रख के मैंने ये लिस्ट तैयार की है। सभी लैपटॉप का लिंक वगैरह वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। मेरी वेबसाइट पर जाने के लिए सिंपली गूगल पर जाके आपको टाइप कर देना है टेक्जॉनिकल, जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम है, और ये जो पहला रिजल्ट है मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर लैपटॉप सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से लैपटॉप्स मैं यहाँ पर इंक्लूड करके रखा हूँ, साथ में हर एक का प्रोज एंड क्रॉन्स वगैरह भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ और आपके यूज केस के लिए कौन सा सही है। सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3। ये मेरे पास खुद भी है लेकिन मेरे पास पुराना वाला है। अब इसमें खास बात क्या है ना कि सिर्फ 50,000 का लैपटॉप है, तो आपकी वीडियो एडिटिंग का सबसे मिनिमम बजट है मान के चलो 50,000 रुपये। और एक बात अब ध्यान में रखना कि अब जैसे कि 2024 चल रहा है, तो GTX 1650 के ग्राफिक कार्ड का कोई भी लैपटॉप आपको नहीं खरीदना है। मैंने कोई भी लैपटॉप यहाँ पर वैसे नहीं इंक्लूड किया। अब कम से कम RTX 2050 या RTX 3050 या फिर इवन 4060 ऐसा कुछ मिल रहा हो तभी आपको वो लैपटॉप खरीदना है। लिनोवो के इस लैपटॉप में लगा हुआ है AMD Ryzen 5 5500H वाला प्रोसेसर, जो H सीरीज के प्रोसेसर हैं, काफी अच्छे हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, प्लस यहाँ पर NVIDIA का 2050 वाला 4GB का ग्राफिक कार्ड लगा है RTX 2050, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में 60Hz का है यहाँ पर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट वाला लैपटॉप नहीं चूज़ करना है, आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन इनकेस अगर आपको गेमिंग भी अच्छी करनी है तो बहुत सारे और भी लैपटॉप हैं, लेकिन क्योंकि ये बजट बहुत ही कम है एक वीडियो एडिटिंग के लिए, तो ये लैपटॉप खरीदना अपने लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस लैपटॉप का डिस्प्ले भी एक IPS डिस्प्ले है, साथ में 45% NTSC के साथ में आता है, एक ठीक ठाक सा डिस्प्ले है। आपको वीडियो एडिटिंग की एज ए बिगिनर शुरू करना है तो ये लैपटॉप सबसे सही रहेगा। इसमें आप 4K नहीं तो फुल HD वाले सारे वीडियोज एडिट कर पाओगे। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये अगेन Acer का Aspire 5 है। कभी कभी इसका प्राइस इवन 52,000 तक भी चला जाता है, 55 पे भी आता है, और ये लैपटॉप अपने आप में काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका वेट ना सिर्फ 1.8 kg है। अगर आपको लाइट वेट डिज़ाइन का एक लैपटॉप खरीदना है तो ये लैपटॉप आप खरीद सकते हो। Acer की तरफ से है, हो सकता है वारंटी उतनी अच्छी ना हो, तो डिपेंड करता है आप किस शहर से बिलोंग करते हो। आपके शहर में अगर इसकी वारंटी या सर्विस सेंटर आपके आसपास हो, आप बिंदास होकर Acer का Aspire 5 खरीद सकते हो। इसमें वीडियो एडिटिंग के लिए आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर इंटेल का कोर i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर लगा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई H सीरीज का प्रोसेसर नहीं है, एक U सीरीज का प्रोसेसर है, 12 जनरेशन वाला i5 है, तो वो ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, बहुत ही हाई फाई सा नहीं है, लेकिन फिर भी AMD की कंपैरिजन थोड़ा बेटर ही है। 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, साथ में RTX 2050 4GB का एक डेडिकेटेड ग्राफिक भी लगा हुआ है, और इस लैपटॉप में जो डिस्प्ले आता है वो भी काफी सही है, एक आपको फुल रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले इसमें मिल जाता है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है लिनोवो का LOQ 2024 एडिशन, और ये लैपटॉप अपने आप में सबसे बेहतरीन है। ये एक ऐसा लैपटॉप मुझे लगा ना जो कि 60,000 में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पिक है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। इसमें एक तो आप देखो ना कि इंटेल का कोर i5 12450HX सीरीज का प्रोसेसर लगा है, काफी तगड़ा सा प्रोसेसर लगाया गया, साथ में 144Hz का एक IPS डिस्प्ले लगा है 300 nits की ब्राइटनेस के साथ, और प्लस उसमें 100% sRGB भी है, मतलब कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है, और उसके साथ इसमें 4GB का एक डेडिकेटेड ग्राफिक लगा है इंटेल आर्क वाला। अच्छा, तो आपका एक सवाल हो सकता है कि ये जो इंटेल वाला डेडिकेटेड ग्राफिक है क्या आपके NVIDIA के उस ग्राफिक से अच्छा है, तो मैं कहूंगा हाँ।
RTX 2050 से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन RTX 3050 से थोड़ा नीचे है। तो इसका जो बेंचमार्क वगैरह आता है वो कहीं इन दोनों के बीच में होता है। तो आपको डेफिनेटली RTX 2050 से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी इसमें। और प्लस क्योंकि ये इतनी कम बजट में आपको 100% sRGB भी दे रहा है, जो कि आपको किसी और लैपटॉप पे नहीं मिलेगा। इस वजह से वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंपेनियन रहेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर लैपटॉप खरीदना है, मतलब 60,000 के बजट में, जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप। आपको इससे बेहतर डील और कोई भी नहीं मिलेगी। इस लैपटॉप में एक थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ 8GB की रैम है, लेकिन वो जो रैम है ना वो DDR5 वाली रैम है 4800 MHz की। तो इनकेस अगर आपको 16GB रैम वाला वेरिएंट ही खरीदना है तो आप 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके वो वाला वेरिएंट भी इसका खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक अपनी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। अब क्योंकि वो DDR5 रैम है तो बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी ही फास्ट हैंडल हो जाएंगी, तो आपको 16GB तक एग्जैक्टली जाने की खास ज़रूरत नहीं है इनके साथ फुल HD एडिटिंग। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि 4K में करना है या फिर कुछ और भी चीज़ें अपग्रेड करनी है, जैसे कि आपको आफ्टर इफेक्ट चलाना है, तो 8GB की रैम थोड़ी कम पड़ेगी। तो इसका आप दूसरा वेरिएंट चूज करना 16GB वाला। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो HP की तरफ से, HP का विक्टस। इसमें भी आपको 12 जनरेशन का एक इंटेल कोर i5 12450H सीरीज वाला प्रोसेसर मिलता है और साथ में RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिलता है, और यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ जाता है 68,000। बाकी इसमें एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले लगा है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, 16GB की रैम लगी है, 512GB की SSD लगी है। और इस लैपटॉप की एक खास बात कि इसमें आपको विंडोज 11 और साथ में MS ऑफिस भी मिल जाता है। जितने भी लैपटॉप मैंने पहले बताए उनमें किसी में MS ऑफिस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो गेमिंग लैपटॉप्स हैं। लेकिन ये HP का जो विक्टस आता है ना, इसमें आपको MS ऑफिस भी मिलता है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई बैटरी लाइफ कैसी होगी। मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हो या फिर एक विंडोज लैपटॉप इसके वीडियो एडिटिंग के लिए खरीद रहे हो, मान के चलो आपको बैटरी लाइफ नहीं मिलने वाली है किसी भी लैपटॉप में। और एक विंडोज लैपटॉप की दूसरी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जब आप बिना पावर के कनेक्ट किए हुए इसे चलाते हो, बैटरी भी चलाते हो बेसिकली, तो इसकी परफॉर्मेंस ही ड्रॉप हो जाती है। सारे लैपटॉप्स की ये प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है। तो इतनी सी बात आप ध्यान में रख के ही कोई गेमिंग लैपटॉप चूज़ करना या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ सेम बजट का है, 68,000, डेल का G15। इनकेस अगर आपको HP नहीं खरीदना है तो आप डेल का ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो, यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा बेटर मिल जाएगा आपको। इसमें लगा हुआ इंटेल का कोर i5 12500H, लेकिन 8GB की DDR5 रैम मिलती है आपको। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि DDR5 रैम थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है तो 8GB इज नॉट बैड, लेकिन 4K के लिए आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। प्लस 512GB का आपको SSD मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको एक RTX 3050 का 4GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक मिलता है। और अच्छी बात कि इस लैपटॉप पे भी MS ऑफिस आपको मिल जाता है 2021 वाला। एक थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है HP की कंपैरिजन में वो है सिर्फ 120Hz का रिफ्रेश रेट, जबकि यहाँ पर HP में आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, तो थोड़ा यहाँ पर एक लैग है। प्लस इसमें आपको सिर्फ WVA मिलेगा, जबकि HP में आपको IPS डिस्प्ले भी मिल जा रहा था। तो रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ डेल का ही लैपटॉप खरीदना है, जैसे कि डेल की सर्विस वगैरह थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है, आपको देख लो कि सेम प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप डेल की तरफ से भी एक अवेलेबल है। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ ये Asus का क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप है, और इसके मुकाबले कोई भी और लैपटॉप मैं नहीं कहूँगा कि 76,000 में फिट बैठता है। एक तो ये गेमिंग लैपटॉप भी नहीं है, हल्के वेट का लैपटॉप है, 1.8 kg, स्लिम फैक्टर डिज़ाइन के साथ में आता है। प्लस यहाँ पर इंटेल का कोर i5 12450H लगा है VivoBook 16X में, 16GB की रैम है, 512GB की SSD, और 6GB का आपको RTX 4050 वाला डेडिकेटेड ग्राफिक मिलता है, वो भी स्लिम फॉर्म फैक्टर डिज़ाइन में, विच इज़ मार्वलस। प्लस यहाँ पर भी आपको विंडोज 11 और इस ऑफिस 2021 का भी सपोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया है, और सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ लेके आता है 70 Wh की Asus VivoBook 16X, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है। क्या आप इसमें 4K वीडियोज एडिट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। ये क्रिएटर सीरीज Asus की मज़ेदार सी सीरीज है, मतलब आपके वीडियो एडिटिंग के करियर को या फिर जितनी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रही हो आपको इसमें आप कर सकते हो। अब ऐसा बहुत ही हाई फाई मत समझ लेना कि आप बैठ के इसमें मूवी एडिट कर पाओगे, मैं यूट्यूब वीडियो एडिट करने की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको इंस्टाग्राम रील वगैरह हाई क्वालिटी में एडिट करनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा मोशन टेक्स्ट डालने हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशंस डालने हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये भी वन ऑफ द माई फेवरेट लैपटॉप रहा, क्योंकि Acer Nitro V। इसमें लगा हुआ है एक 13th जनरेशन का प्रोसेसर, कोर i5 13420H, काफ़ी अच्छा सा एक प्रोसेसर है ये,
और RTX 4050 के साथ में ये भी आता है 78,000 के बजट में, बहुत ही सही है। प्लस यहाँ पर एक और एडवांटेज, आपको एक 16GB का DDR5 फ्रेम भी मिल जाता है इसमें, जो कि माइंड ब्लोइंग है। बस एक प्रॉब्लम क्या है ना कि ये 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला एक IPS डिस्प्ले है। बस ये बात मान के चलना कि आपको ऐसा कलर एक्यूरेट सा कुछ नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आप उसके लिए मॉनिटर बाद में खरीद लो। लेकिन वैसे मैं कहूँगा इन जनरल वीडियोस एडिट करने के लिए IPS डिस्प्ले इज़ मोर देन इनफ, अगर आप सिर्फ बिगनर टाइप के वीडियो एडिटिंग करते हो। अगर आप ऐसे 10-bit कैमरा से शूटिंग वगैरह करते हो, उस केस में आपको हो सकता है कलर एक्यूरेसी बहुत चाहिए हो। लेकिन अगर आपका कैमरा उतना कैपेबल नहीं है, तो फिर आपको एक बहुत बड़े लैपटॉप पर खर्च करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से ना, मतलब बहुत ही सही कॉम्बिनेशन बैठता है। 16GB की DDR5 फ्रेम आपको माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे सकती है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगेन Lenovo का Eloquio, और ये 85,000 के बजट का है। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो इतना, तो आप इसे खरीद सकते हो। इसमें आपको 100% sRGB भी मिल जाएगी, प्लस साथ में यहाँ पर इंटेल का कोर i5-13450HX वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, 16GB की रैम, 512GB की SSD और NVIDIA का 3056GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक इसमें लगाया गया है, प्लस ऑफिस 2021 भी यहाँ पर मिल जाता है। एक अच्छी बात यहाँ पर और भी है कि 16GB की जो DDR5 रैम मिलती है आपको 4800MHz वाली, तो यहाँ पर भी कोई कंप्लेंट नहीं है। 85,000 में एक अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग करनी है विथ कलर एक्यूरेसी, तो आप इसे लैपटॉप को खरीद सकते हो। अगला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ HP का Omen। HP के इस सीरीज की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन ना बहुत ही अलग होती है, एलिगेंट सी डिजाइन होती है और काफी प्रीमियम सा लुक एंड फील आता है इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप में भी आपको इंटेल का कोर i5-1320H वाला प्रोसेसर मिलता है, प्लस 6GB का RTX 4050 वाला डेडिकेटेड ग्राफिक मिल जाता है आपको, साथ में DDR5 रैम 16GB की, 512GB की SSD, साथ में इसमें भी IPS डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला लगाया गया है, तो यहाँ कोई खास प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। अगर मुझसे आप पूछो कि इसके और Lenovo के बीच में मैं किसे चूज करूंगा, डेफिनेटली मैं Lenovo को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर MS Office भी मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सा डिस्प्ले मिलेगा 100% sRGB के साथ। ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा कमज़ोर है HP के कंपैरिजन में, और उसी लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों ही 6GB के डेडिकेटेड ग्राफिक है, तो वो एक आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आपको गेमिंग ज़्यादा करनी है, वीडियो एडिटिंग कम करनी है, तो HP Omen पे जाओ। अगर आपको वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करनी है, तो फिर Lenovo पे जाओ। अगला एक फाइनल लैपटॉप, जो कि मतलब 1,00,000 के बजट में, फिर से मैं Lenovo का Eloquio वाला ही एक दूसरा वेरियंट रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसमें इंटेल का कोर i7 लगा है, 13650HX सीरीज का प्रोसेसर, बेहतरीन सा एक प्रोसेसर इसमें लगाया गया है, और प्लस इसमें आपको RTX 4050 भी मिल जाता है 6GB का। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम है, तो Lenovo की जो ये Eloquio सीरीज आई ना, बेहतरीन से लैपटॉप्स लेके आए इस सीरीज में Lenovo वाले, और मैं काफ़ी खुश हुआ इसकी वजह से, क्योंकि इसमें आपको कलर एक्यूरेसी वगैरह मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है आप इसे खरीद सकते हो। बाकी Asus के जो VivoBook 16X या क्रिएटर सीरीज के लैपटॉप हैं, वो अपने आप में काफ़ी सही रहते हैं। अब ये जो टॉप 10 लैपटॉप्स मैंने बताएं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। लिंक सभी लैपटॉप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट techzonical.in। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विस्टॉप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।